लेकिन वहां जो जनेऊधारी बैठे हुए हैं उन पे यकीन नहीं है, उन पे विश्वास नहीं है, वो दलित विरोधी हैं। ईडब्ल्यूएस पूरी तरह से एक फ्रॉड है। आरक्षण की पूरी अवधारणा कहीं से भी आर्थिक बराबरी के लिए नहीं है। उनके चश्मे में जनेऊ का धागा लपेटा हुआ है। तो दलित मंदिर जाए तो उनको जूते से कुटिए, हमारी तरफ से तपिल है। ऐसा है, चीता लाएंगे, मोर लाएंगे, बत्तख लाएंगे, बगुला लाएंगे, कौवा लाएंगे, बटेर लाएंगे, सब लाएंगे, बस इस देश के दलितों के लिए आरक्षण नहीं लाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखिए कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये जो सुदामा कोटा को लेकर है, ये मामला आपको क्या लगता है कि हम लोगों के पक्ष में आएगा? बिल्कुल नहीं आने वाला है। ईडब्ल्यूएस का जो अभी दिलीप मंडल जी जो है लगातार लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं इसका मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए। इसका हम लोग भी लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हो जाना है, हो जाना, ऐसा कोई परिस्थिति जो है हम लोगों के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आपकी है, सरकार आपका है। जब सरकार जनेऊ वालों का है, जब सुप्रीम कोर्ट जनेऊ वालों का है, कितना जज है आपका? एक भी दलित जज नहीं है। तो फिर आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि सुदामा कोटा सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगा? होना ही नहीं है खत्म। हम लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ऐसा चाहते हैं कि खत्म हो जाए। याद करिए, जब 2014 का चुनाव था, हम लोग लगातार लिख रहे थे कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, डिजर्व नहीं करते हैं। वो बने, लिख रहे थे, इसका मतलब है कि हम लोग ऐसा चाहते हैं वो आदमी प्रधानमंत्री ना बने। अपने हिसाब से सब व्याख्या करता है, हम लोग भी व्याख्या कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण ईडब्ल्यूएस आरक्षण असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, देश के संविधान के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। और लोगों का जिनका हक मारी हुआ है, उनकी और हक मारी हो। अब तक हम लोग गड्ढे में हैं, हम लोगों को पताल में भेजने की तैयारी है। जो कुछ भी बदन पे अभी बोटी भी है, इसको भी नोच देने के लिए यह सरकार और सुप्रीम कोर्ट तैयार बैठी है। इसलिए यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म नहीं होगा। ये लोग बढ़ा दें भले कोटा, भाई जनेऊ वाले वहां बैठे हुए हैं। कोर्ट में विश्वास नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है। कोर्ट क्या कोई बिल्डिंग होता है क्या? कोर्ट में जो जज है उस पे बात होगी ना, फैसला कोई बिल्डिंग, कोई ईंट पत्थर लिखता है? तो जो कोर्ट में जो बैठा हुआ है, जो जनेऊ वाला है, उस पे यकीन नहीं है। जो चंदनधारी है उस पे यकीन नहीं है। जो चुटियाधारी है वहां बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट पे, कोर्ट में, उन जजों पे यकीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पूरी आस्था है, वो संवैधानिक संस्था है, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन वहां जो जनेऊधारी बैठे हुए हैं उन पे यकीन नहीं है, उन पे विश्वास नहीं है, वो दलित विरोधी हैं। ये पूरा ईडब्ल्यूएस पूरी तरह से एक फ्रॉड है। ईडब्ल्यूएस पूरी तरह से एक फ्रॉड है। आरक्षण की पूरी अवधारणा कहीं से भी आर्थिक बराबरी के लिए नहीं है। आरक्षण की पूरी अवधारणा सामाजिक बराबरी के लिए है। आप बताइए ना, अगर ऐसा नहीं है, क्या गारंटी है किसी आईएएस के साथ छुआछूत भेदभाव नहीं होता? होता है क्या? होता है ना। जब आईएएस आईपीएस के साथ छुआछूत भेदभाव होता है, बड़े लोगों के साथ होता है, बड़े नामों के साथ होता है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ छुआछूत होता है, तो फिर आम लोगों की बात ही क्या है? तो सवर्णों के साथ कौन सा भेदभाव होता है? हमको ये कोई आर्थिक बराबरी का कार्यक्रम है क्या आरक्षण? आर्थिक बराबरी चाहिए तो गरीब सवर्ण जाकर मनरेगा की लाइन में लग जाए। सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम है आर्थिक बराबरी के लिए, आर्थिक छूट के लिए, आरक्षण थोड़े ही है। मोदी जी कैसे भेदभाव खत्म कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं ना। पूरे देश में जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, दलितों के साथ भेदभाव की घटनाएं बढ़ गई है, दलितों को घोड़ी पर से उतारने की घटनाएं बढ़ गई है, मूछ रखने पर हत्या कर दी जा रही है। हाथरस में क्या हुआ बहनों के साथ? दिल्ली कैंट में क्या हुआ? रोहित बेमुला के साथ क्या हुआ? इसी मोदी सरकार के मंत्री ने चिट्ठी लिखी थी ना रोहित बेमुला के खिलाफ, उस भाई को आत्महत्या करनी पड़ी। ये मोदी जी कर रहे हैं, वो मिलेंगे ही नहीं। उनका चश्मा, बस उनके चश्मे में जनेऊ का धागा लपेटा हुआ है। जिसके पास जनेऊ का धागा है वही काबिल है,
जिसके पास जनेऊ का धागा नहीं है वो नाकाबिल है, जो टीका लगाए हुए है वो काबिल है, जो टीका लगाए हुए नहीं है वो काबिल नहीं है। तो दलित मंदिर जाए तो उनको जूते से कूटिए, हमारी तरफ से तपील है। कोई मंदिर दलित जाए तो हम बतौर अम्बेडकरवादी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मंदिर जाने कहा था? नहीं, हम अपने समाज के लोगों से अपील तो कर ही सकते हैं, बोल ही सकते हैं। इस समाज की लड़ाई लड़ते हुए मेरे ऊपर 2 दर्जन मुकदमा हुआ है, इस समाज से तो हम उम्मीद करेंगे ना कि बाबा साहब के रास्ते पर चलें, भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलें। भगवान ही चाहिए तो बौद्ध बिहार जाओ, हिंदुओं के मंदिर जाकर क्या करना है? जहां जाते हो तो पीटा जाता है, जूते से मारा जाता है, वहां जाकर क्या करोगे? ये लड़ाई हारने की बात ही नहीं है, हम अपने समाज की कमजोरियों पर भी बात करेंगे ना। समाज की कमजोरी पर कौन बात करेगा? हमारा समाज अगर रास्ता गलत रास्ते पर चलेगा उसको सही रास्ता बताने का काम भी तो हमारा ही है। बिल्कुल, किसी भी दलित को मंदिर नहीं जाना चाहिए। बाबा साहब मंदिर जाने की बात करते थे, बाबा साहब ने तो हिंदू धर्म को लात मार दी, बाबा साहब बौद्धिस्ट हो गए, कालाराम मंदिर गए थे ना? नहीं, मंदिर प्रवेश की लड़ाई लड़ना और मंदिर जाना आस्था के साथ, दोनों अलग बात है। हम मंदिर दलित मंदिर जाए हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन मंदिर जाने का अधिकार होना चाहिए। देखिए ये क्या कर सकते हैं, मंदिर बनाएंगे, पुजारी बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे, पुतले बनाएंगे, लेकिन जो दलितों की जो बेसिक मांग है, जो दलितों की बेसिक जरूरत है, हमारी जरूरत है, हमें विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर कब बनाओगे, हमें केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कब बनाओगे, हमें कॉलेज का प्रिंसिपल कब बनाओगे, हमें सुप्रीम कोर्ट में जज कब बनाओगे, हमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें एंकर और पत्रकार बनने का मौका कब दोगे? मैं पिपल जी मैं मान रहा हूं आप जो कह रहे हैं उनकी दृष्टि से हम योग्य नहीं हैं, उनकी दृष्टि से हम सच में योग्य नहीं हैं, लेकिन संविधान की दृष्टि से हम योग्य हैं, इसलिए हम संविधान की बात करते हैं। नहीं सर, इस देश में लड़ कौन रहा है? कम्युनिस्ट लड़ रहे हैं क्या? कौन लड़ रहा है इस देश में? इस देश में अम्बेडकरवादी ही तो चैलेंज कर रहे हैं इन मनुवादियों को। कौन चैलेंज कर रहा है? कोई विपक्षी पार्टी बड़ा आंदोलन खड़ा कर पा रही है? हमने 2 अप्रैल 2018 को सड़क पे उतर के दिखा दिया कि हमारी ताकत क्या है। ये जो आप कह रहे हैं ये आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था संगठित हो, तो हम लोगों का समाज थोड़ा उसको गलत समझ गया। बाबा साहब ने कहा संगठित हो, समाज ने समझ लिया कि संगठन बनाना है, संगठन बनाने लगे। ठीक है कि ब्राह्मणों के इतने संगठन है तो हमारे भी संगठन है, संगठित ही तो हो रहे हैं ना, अच्छी बात है ना। उनका टूटना बिखरना गलत हो सकता है, संगठन बनाना गलत नहीं है। अगर बाबा साहब के विचारधारा को फॉलो करके संगठन बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत नहीं। हाँ बिल्कुल, हमारा काम हमेशा गलत का विरोध करना है, हमारा काम इस संविधान की रक्षा के लिए विरोध करना है, हमारा काम इस देश के दलितों पिछड़ों आदिवासियों के सवाल पे लड़ते हुए विरोध करना है। अगर ये सरकार गलत करेगी तो हम विरोध करेंगे। आप हमेशा रोते रहते हैं बीजेपी नफरत फैला रही है, बीजेपी नफरत के लिए काम कर रही है, इतना काम कर रही है, काम तो कर रही है, लेकिन बहुजन समाज क्या कर रहा है? सिर्फ संगठन बना रहा है? नहीं, संगठन की बात ही नहीं है। हम सत्ता में जब आए तब तो हमारी भागीदारी हो। पहले देखिए कई इसके जो है चैनल बने हुए हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ काम करें? हम सड़क पे उतर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, कभी SC ST आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, SC ST Act को बचाने के लिए लड़ते हैं, कभी आरक्षण बचाने के लिए लड़ते हैं, कभी निजीकरण के खिलाफ लड़ते हैं, कभी जो है धार्मिक पाखंडवाद के खिलाफ लड़ते हैं। हम लड़ ही तो रहे हैं। नहीं, जो लोग सत्ता में हैं उन मित्रों को बहुत जो है हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हमारे कई पार्टी लाइन से अलग, विचारधारा से अलग कई लोग हैं जो सत्ता में हैं। नहीं, देखिए SC आयोग को किसी व्यक्ति से जोर कर ना देखा जाए, SC आयोग को देखा जाए कि SC आयोग में जो काम हो रहा है क्या वह संस्था काम कर रही है। हाल के दिनों में देखा गया है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय सांपला जी, SC कमीशन के चेयरमैन, राजनीतिक विचारधारा भले अलग हो लेकिन देखा गया है उनके आने से आयोग में सुधार हुआ है,
आयोग में लोगों की समस्याएं सुनी जा रही। मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। एससी कमीशन में विजय सांपला सीधे, मैं देख रहा हूँ, मैं जाता हूँ ना एससी कमीशन, वो मिलते हैं लोगों से, दो तीन दिन लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और मैंने सैकड़ों ऐसे केसेस देखे हैं, वो सामने उन्होंने किया है। हमारे द्वारा ही दिए गए सैकड़ों आवेदन पर कमीशन ने कार्रवाई की है। क्या है कि कमीशन कोई बिल्डिंग तो काम करता नहीं है, वहां जो लोग, जो पदाधिकारी है वो काम करते हैं। तो अभी जो पदाधिकारी हैं, अच्छी बात है कि उनके हाथ से अभी काम हो रहा है। इस मोदी सरकार में कोई अधिकारी काम करे तो उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसा है, चीता लाएंगे, मोर लाएंगे, बत्तख लाएंगे, बगुला लाएंगे, कौवा लाएंगे, बटेर लाएंगे, सब लाएंगे, बस इस देश के दलितों के लिए आरक्षण नहीं लाएंगे, इस देश के दलितों के लिए वाइस चांसलर बनने का मौका नहीं लाएंगे, कुलपति बनने का मौका नहीं लाएंगे, प्रोफेसर बनने का मौका नहीं लाएंगे। बाकी शेर चीता भालू लाकर तो चिड़ियाघर देश को बना ही देंगे। देखिए क्या है, यह पूरी तरह से आपराधिक मामला है जो अंबेडकर छात्रावास में हुआ है, वो आपराधिक मामला है और उसमें जाँच करनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी डिप्टी CM है और नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री हैं, तो चूंकि तेजस्वी यादव के जाति के लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि उस जाति के अपराधियों, तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है तेजस्वी जी से कि जाति का चश्मा हटाकर, वैसे भी जाति के चश्मे से चीजों को नहीं देखते हैं, क्योंकि हाल में देखा गया कि वो अपने कार्यकर्ताओं को लगातार सचेत कर रहे हैं कि अपना बॉडी लैंग्वेज बदलिए, काम करिए। तो जाहिर सी बात है अभी जो सरकार है बिहार में बहुत बढ़िया काम कर रही है, सामाजिक न्याय के लिए भी बढ़िया काम कर रही है, और किसी आपराधिक कारनामे की वजह से, व्यक्तिगत झगड़े की वजह से उसको बहुजन में दरार की तरह न देखा जाए। देखिए मीडिया तो जहां बैकवर्ड का रूल होगा जंगल राज है, जहां सवर्णों का शासन होगा वहां मंगल राज है मीडिया की। देखिए क्या है, कर वो राजनीति रहे ना, कोई सामाजिक कार्यक्रम तो कोई चल नहीं रहा है, धार्मिक कार्यक्रम कर राजनीति रहे। आपका समाज ही इतनी जातियों में बटा हुआ है, जाति देखकर वोट दे रहा है, जाति देखकर शादी कर रहा है, जाति देखकर नौकरी दे रहा है, जाति देखकर पानी पिला रहा है। इतना जातिवादी समाज में आप सोच रहे हैं कि कोई एक पार्टी बिना जाति देखे वोट दे। आपराधिक जांच चल रही है, उसमें अभी हम लोग मीडिया में देख रहे थे, हम तो सरकार सत्ता में है नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव जी काफी समझदार उप मुख्यमंत्री हैं, उम्मीद करते हैं कि इस मामले में समुचित न्याय हो, और हम अपील भी करते हैं कि समुचित न्याय होना चाहिए। अमर आजाद वगैरह हमारे काफी साथी, सारे अंबेडकर छात्रावास के हमारे साथी हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। अभी SC कमीशन का भी वहां दौरा हुआ था, हाँ अभी दो तीन दिन पहले उनका दौरा हुआ था, तो लगातार कानून व्यवस्था अपना काम करी। एक आपराधिक मामला है और आपराधी को पकड़कर जेल देना चाहिए और न्याय संगत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।